नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुमला जिले के रायडी थाना अंतर्गत पीबो पंचायत के बाघ तला और डूमर घाटी के बीच बरटोली गांव जाने वाले जंगल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जंगल में जुटे पीएलएफआई की 3 उग्रवादियों को खदेड़कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर उनके पास से 315 बोर का 3 लोडेड राइफल व 12 जिंदा कारतूस और AK-47 का 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में अनिल उराव पिता चुंथु उराव ग्राम मोकरा बरटोली थाना सुरसांग जिला गुमला निवासी हैं। इसके विरुद्ध पूर्व में रायडी थाने में 2, घाघरा और रांची के कोतवाली थाना में 1-1 मामले दर्ज हैं। मंजीत प्रधान उर्फ गुड्डू पिता सुरेश प्रधान ग्राम लौकी गोसाई कोना थाना रायडी जिला गुमला और गुड्डू सिंह पिता रामकृष्ण सिंह ग्राम पीबो बरटोली थाना रायडी जिला गुमला निवासी शामिल हैं। यह जानकारी रायडी थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसिया के और चैनपुर के प्रभारी SDPO विकास आनंद लांगुरी ने दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उपरोक्त जंगल में किसी घटना को अंजाम देने के लिए उग्रवादी जुटे हुए हैं। इसका सत्यापन कर इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गई और उनके निर्देश पर छापेमारी हेतु एक टीम का गठन किया गया और घेराबंदी की गई। पुलिस को देख वे लोग जंगल की ओर भागने लगे, तब उन्हें खदेड़कर पकड़ा गया। पूछताछ में बताया कि PLFI के पूर्व कमांडर राजेश गोप उर्फ टाइगर ने संगठन के विस्तार के लिए सभी हथियार उपलब्ध कराए थे। तीनों उग्रवादियों को शनिवार को गुमला जेल भेज दिया गया। छापेमारी दल में चैनपुर इंस्पेक्टर बैजू उराव, थाना प्रभारी अमित कुमार, सब इंस्पेक्टर अभिनव कुमार, बाल मुकुंद सिंह, नितेश टोपनो, SI रंजय कुमार सिंह और सेट 11 के सशस्त्र बल शामिल थे। पुलिस अधीक्षक महोदय गुमला साहब को गुप्त सूचना मिली थी कि रायडी थाना अंतर्गत ग्राम बागलता के जंगल में कुछ पीएलएफआई को उग्रवादी मिलकर घटना को अंजाम देने के लिए एक बैठक कर रहे हैं। उस गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम का गठन हुआ, जिसमें 1 तारीख के रात में उस बागलता जंगल से 3 उग्रवादी पीएलएफआई के लोगों को अरेस्ट किया है। और ये तीनों जो है राजेश गोप जो उर्फ राजेश टाइगर के सक्रिय सदस्य थे, इन तीनों के पास से जो है 3 राइफल .315 और 15 जिंदा राउंड मिला है, जिसमें से 3 AK-47 की गोली बरामद। कौन कौन लोग हैं सर जो इसमें से? एक अनिल उराव है, मंजीत प्रधान है और गुड्डू सिंह है, जिसमें अनिल उराव का 3 आपराधिक अभी तक। वी टाइम न्यूज के लिए रायडी गुमला से संजय कुमार सिंह की रिपोर्ट।